नगर निगम चुनाव में महज 3 दिन का समय शेष रहने के कारण सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार सोनीपत में कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान और पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र के साथ कांग्रेस के दूसरे नेता और विधायक भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेयर प्रत्याशी निखिल मदान और वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रत्याशी हरेंद्र, वार्ड नंबर 4 से दीपिका गर्ग और वार्ड नंबर 10 से राखी गोस्वामी के पक्ष में प्रचार किया। इसके अलावा दीपेंद्र ने देर रात को मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान के पक्ष में प्रचार करते हुए पार्षद प्रत्याशियों में वार्ड नंबर 2 से सुरेंद्र नैयर, वार्ड नंबर 8 से प्रीतम कौशिक, वार्ड नंबर 12 से संजय चौधरी और वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी नीतू दहिया के पक्ष में प्रचार करते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव की तरह नगर निगम के इस चुनाव में भी युवा सोच की जीत होगी और सोनीपत नगर निगम सबसे युवा निगम होगी। दीपेंद्र ने बताया कि निगम के 20 प्रत्याशियों में से 16 प्रत्याशी 35 साल से कम आयु के मेहनती, ईमानदार और कर्मठ युवा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता बीजेपी की असलियत को अच्छे से पहचान चुकी है। आज प्रदेश का किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमा पर बैठा है और बीजेपी के नेता उनकी बात को न मानकर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हल्ला बोल हरियाणा।